ये बताइएगा सर कि मुफ्ती मुनीब के साथ इतना फड्डा करने की क्या जरूरत थी सर, उनको बैठा के समझाया नहीं जाता है कि पाएं की कर दो, बैठ के गल सुन लो, मेरा कोई झगड़ा नहीं ताड़े गल। नहीं नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत मेरा एहतराम है उनके लिए, बहुत उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी हैं। देखिए सीधी बात है, मेरा तो मैं तो साइंस मिनिस्टर था, और मसला ये था कि मैंने उन्हें कहा कि सर बात यह है, ये करना कि ये जो चांद है ये नेकेड आई से नज़र आना चाहिए, यानी खाली आँख से नज़र आना चाहिए या नहीं, ये तो शरीय मामला है, ये आप तय कर दें। और अगर आप कहते हैं कि खाली आँख से नज़र आना चाहिए, तो फिर मुझे बताएं रोयते हिलाल में तो 16 से 22 23 साल के लड़के लड़कियाँ होने चाहिए जिनके 6x6 नज़र हो, आपको तो मैं बैठा सामने नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैसे रोयते हिलाल देखें। तो पहली बात तो यह है कि, और फिर देखें फिर तो हर इलाके की अपनी ईद होगी ना, लाहौर वालों ने देख लिया, उन्होंने ईद कर ली, उन्होंने कर ली, उन्होंने ईद कर ली। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं दूरबीन से देखा जा सकता है, तो फिर देखें ये मैं लॉजिक नहीं मानूंगा कि पुरानी दूरबीन हलाल है और नई दूरबीन हराम है। तो ये फैसले तो आप खुद कर लें, अगर आपने नेकेड आई से करने हैं तो फिर जाके कहें कि ये नई रोते लाल बनाए जो नौजवानों के ऊपर हो, और अगर पुरानी दूरबीन हलाल है तो फिर नई दूरबीन भी हलाल है, ये तो नहीं हो सकता भाई, इतना किसी बात।